हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स संजय पारिक पारिक फिजिक्स एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के इस जो ये अपना लेक्चर चल रहा है मॉड्यूल चल रहा है इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। दोस्तों श्रोडिंगर इक्वेशन की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी बंदों ने मुझे कमेंट करके बोला श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताइए, तो आज मैं लेके आया हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप भी आपका फेवरेट टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि आने वाले टाइम में मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको यह देखना पड़ेगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई, मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों चाहिए थी, ठीक है ना। तो जैसा कि 1890 और 1900 के आसपास काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, कॉम्प्टन इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स था, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन वहां पे आ चुकी थी, ठीक है। इसको हम लाइट के वेव नेचर से इन ये जो घटनाएं थी इनको हम नहीं दिखा पाए थे, नहीं वेरीफाई कर पाए थे, नहीं एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन हो पाया था इनका। और क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज थे वो लॉज यहां पूरे इन फिनोमिनन्स को पूरा समझाने में असमर्थ थे, ठीक है। तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना जो सिद्धांत दिया कि लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव करती है, इन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू एच न्यू होती है, एच को मैंने प्लैंक कांस्टेंट बोला, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो फिनोमिनन दिया पार्टिकल नेचर का, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल नेचर का जो फिनोमिनन दिया, इस फिनोमिनन के बेस्ड पे ये सारे के सारे जो फिनोमिनन थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्प्टन इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसके अलावा आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स था, ये सारे के सारे फिनोमिनन अच्छे तरीके से समझा दिए गए। और यहां पे प्रूव हो चुका था कि लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, लाइट की प्रकृति द्वैत होती है, लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव की जैसे बिहेव करता है। जब लाइट को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, डिफ्रेक्शन या विवर्तन, डिस्पर्शन पढ़ते हैं तो इसमें लाइट का वेव नेचर आता है, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं तो इसमें लाइट का या रेडिएशन का पार्टिकल इफेक्ट आता है। तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव करती है, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी थी सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी उसके बाद में। आपको अगर पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट देखिए, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उस चीज को, वीडियो है मेरा। उसके बाद अब 1924 के आसपास डी ब्रॉय करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया जिसे मैंने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोला। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या था, डी ब्रॉय ने बोला कि जिस तरीके से लाइट ड्यूअल नेचर बिहेव करती है उसी तरीके से मैटर जो है, जैसे लाइट है, दो लाइट रेज आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस शो करेंगी, लेकिन अगर यही लाइट किसी मैटर के ऊपर गिरती है तो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो उसी तरीके से जो मैटर है, अब मैटर क्या है, कुछ भी हो सकता है, आप, मैं, बोर्ड, पेन, डस्टर, कैमरा, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी अर्थ पे है, मैटर जो है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये डी ब्रॉय ने बोला था। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो था वो क्या था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया डेविसन जर्मर ने और जीपी थॉम्सन ने। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं तो इनको भी प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। तो डी ब्रॉय ने यह बोला कि जैसे लाइट ड्यूअल नेचर की भांति व्यवहार करती है, लाइट का वेव नेचर है तो पार्टिकल नेचर है, वैसे ही मैटर जो पार्टिकल है उसका भी वेव नेचर होना चाहिए। सो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होनी चाहिए, यह डी ब्रॉय ने बोला। और बाद में डेविसन जर्नल ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर दिया, और उसने यह बोला डी ब्रॉय ने कि जो देखिए क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़नी है तो यह चीज आपको बेसिक नीड कहां से आई
श्रोडिंगर इक्वेशन की, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो डिब्रॉय ने बोला कि जो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है, यहां पे एच जो होता है वो मेरा प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। पी जो होता है वो उस पार्टिकल का मोमेंटम होता है, जिस पार्टिकल का मास m होता है, और वेलोसिटी v होती है, और लैम्डा जो होती है वो उस पार्टिकल से रिलेटेड जो आपकी वेव है उसकी वेवलेंथ है। तो ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस था, मतलब वेव से रिलेटेड वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली ने ये बोला। अब डी ब्रॉय ने जैसे ही बोला कि पार्टिकल से रिलेटेड वेव होनी चाहिए, और जिसको डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया, तो अब इस वेव को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्या ये सिंगल वेव होनी चाहिए, किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव है क्या ये सिंगल वेव है या एक ग्रुप ऑफ वेव्स है, या किस फॉर्म में मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वैज्ञानिकों ने आगे क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे मान लो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ये था, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब अगर मैं मानूं कि ये जो मैटर वेव है ये इससे रिलेटेड एक सिंगल वेव है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालना चाहूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच हो गया अपना। अब यहां से देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, और ये इक्वेशन हो गई मेरी एम सी स्क्वायर अपॉन एच। तो यहां से एच अपॉन एम की वैल्यू, यहां से एच अपॉन एम की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो लैम्डा वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम, ठीक है, या इसको रिवर्स कर दें तो वन अपॉन लैम्डा वी इज इक्वल टू एम बाय एच। तो एम बाय एच की वैल्यू रखेंगे अपन न्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा v, ठीक है। और अगर मैं फेज वेलोसिटी, जो आप वेव की फेज वेलोसिटी पढ़ते थे, फेज वेलोसिटी में मानूं, तो न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन v होती है। किसकी फेज वेलोसिटी, जो इस पार्टिकल से रिलेटेड वेव है उस वेव की फेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैंने निकाल ली वीपी, ये सी स्क्वायर अपॉन v होगी। अब चूंकि v जो है पार्टिकल की वेलोसिटी ये c से कम होती है, कम होती है ना, तो v अगर c से कम होगी तो vp क्या होगा, v से बढ़ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया मेरा, ये रिजल्ट कब आया कि जब मैंने सिंगल वेव मानी मैटर से रिलेटेड जो वेव थी, एवरी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव थी उसको यदि मैं सिंगल वेव मानूं, तो सिंगल वेव की फेज वेलोसिटी vp जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा आती है। अब सिंगल वेव मान करके जो फेज वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेव से अगर ज्यादा आ रही है, तो दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी पार्टिकल से रिलेटेड वेव है, ठीक है, और उस वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वेव तो आगे निकल जाएगी कुछ टाइम बाद में और पार्टिकल पीछे रह जाएगा। ठीक है, पार्टिकल पीछे रह जाएगा, वेव आगे निकल जाएगी। अब वेव आगे निकल जाएगी, पार्टिकल पीछे रह जाएगा, विच इज इंपॉसिबल, ये एक असंभावित परिणाम था। इसलिए मैंने जो एजम्पशन माना था कि किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड एक सिंगल वेव होती है, वो एजम्पशन मेरा गलत हो गया। आर यू गेटिंग मी, ये मेरा एजम्पशन गलत हो गया। तो अब मैंने एक नया एजम्पशन माना कि ये सिंगल जो पार्टिकल है मेरा, पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होती है वो वेव सिंगल वेव न होकर के एक ग्रुप ऑफ वेव होती है या एक वेव पैकेट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, और इस वेव पैकेट की एनर्जी मैंने निकाली। तो ग्रुप वेलोसिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डी ओमेगा अपॉन डी के होती है, या ई की फॉर्म में वीजी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी पी होती है। ई की वैल्यू मैंने रखी तो डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, डिफरेंशिएट किया इसको तो वीजी इज इक्वल टू आ गया मेरा पी अपॉन एम, या पी इज इक्वल टू एम वी होता है तो वीजी इज इक्वल टू आ गया मेरा वी। दैट मीन्स
मेरी जो assumption इस बार मैंने मानी है कि किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होती है वो एक वेव पैकेट की फॉर्म में होती है, ग्रुप ऑफ वेव्स होती है, उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी उस वेव पैकेट की वेलोसिटी के बराबर आ रही है या उस ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी के बराबर आ रही है। तो अब दैट मींस मेरी ये assumption सही है, समझ गए बात को मेरी को, ये assumption मेरी सही है। अब यहां मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, और देखो ये assumption सही है तो ये assumption सही भी है क्योंकि किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड अगर उसकी पोजीशन में देखूंगा तो उसकी पोजीशन एक डेल्टा एक्स पोजीशन में रहेगी, एक डेल्टा एक्स स्थान में रहेगी किसी भी वेव की, तो उससे रिलेटेड मैं एक वेव पैकेट मान लेता हूं जो कि डेल्टा एक्स स्थान पर पाया जाएगा, समझ गए मेरी बात। अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो मैटर वेव थी मेरी, इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए था, वो फंक्शन मैंने लिया शाई। एक सेकेंड, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, शाई क्या कि मैंने जो मेरी मैटर वेव थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक फंक्शन की जरूरत थी, वो फंक्शन मैंने लिया शाई, ठीक है। और शाई डिपेंड करता है पोजीशन एंड टाइम पे, ठीक है, शाई डिपेंड करता है पोजीशन और टाइम पे, और इस शाई में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए थी। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए थी कि शाई, जैसे ये पैकेट मैंने माना ये कोई वेव पैकेट है, इसमें ये वेव है, तो मैंने माना कि शाई की वैल्यू, पहली चीज मैंने ये मानी कि शाई की वैल्यू मैक्सिमम वहां होनी चाहिए जहां कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, शाई की वैल्यू वहां मैक्सिमम होनी चाहिए जहां इस वेव पैकेट में कण के पाए जाने की प्रायिकता या कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, यह शाई में पहली क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि शाई का सेल्फ के साथ सुपरइंपोज हो सके, शाई स्वयं के साथ अध्यारोपित हो सके जिससे मैं इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन जैसी घटनाओं को पढ़ सकूं, जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में या यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हमने काम में लिया था, तो यहां क्वांटम मैकेनिक्स में डेविसन जर्मर प्रयोग, तो डेविसन जर्मर प्रयोग को मैं पढ़ सकूं, शाई में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, मतलब शाई का सेल्फ सुपर इंपोजिशन होना चाहिए, शाही स्वयं के साथ व्यतिकरण करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो क्वालिटी थी वो शाही में क्वालिटी थी कि शाही एक सिंगल पार्टिकल की, एक सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे न कि स्टेटिस्टिक्स को पूरी की पूरी, शाही जो है वो एक सिंगल पार्टिकल से रिलेटेड हो, जिस पार्टिकल से रिलेटेड वेव है, न कि पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक से रिलेटेड हो। तो शाई में ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। पहली, शाई की वैल्यू मैक्सिमम वहां हो जहां इस पैकेट में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। दूसरा, शाई का स्वयं के साथ में व्यतिकरण हो। तीसरा, शाई एक पर्टिकुलर कण की व्यवस्था को रिप्रेजेंट करे न कि पूरी स्टैटिस्टिक्स को। तो शाई में यह गुण होने चाहिए, ठीक है। और मैटर वेव को मैंने रिप्रेजेंट किया शाई से, और शाई को मैंने बोला वेव फंक्शन, या इसको बोला मैंने वेव एम्पलीट्यूड। या इसको मैंने बोला स्टेट फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये शाई की चीजें क्लियर हुई आपके माइंड में। अब आता है मेन चीज जो आज का टॉपिक है, चीजों को माइंड में एकदम क्लियर रखो। फिजिक्स को किसी हवा बनाने की जरूरत नहीं है, स्टोरी बना लो, स्टोरी लाइन से हिसाब से पढ़ते जाओ। अच्छा ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, समझे मेरी बात। तो अब आती है बात मेन चीज की। तो अब हमारे पास में एक फंक्शन शाई था, ठीक है। अब आता है यहां पे आई इंट्रोड्यूस श्रोडिंगर, श्रोडिंगर ये ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो श्रोडिंगर ने सबसे पहले क्या देखा, क्या मेजर किया, क्या
इन्होंने कैसे डेवलप किया आगे, तो देखो मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन शाही है मेरा है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन शाही को मेजर करने के लिए मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन या मुझे एक इक्वेशन की जरूरत थी। आई रिपीट कि किसी भी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड कोई वेव फंक्शन है मेरे पास में, और इस वेव फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए। और चूंकि फिजिक्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन काम में लेते हैं, इसलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन को श्रोडिंगर इक्वेशन कहा गया। ठीक है, अब श्रोडिंगर इक्वेशन कहा गया तो श्रोडिंगर ने कैसे इक्वेशन को डेवलप किया, तो देखो यह चीज ध्यान देने लायक है। श्रोडिंगर ने यह बोला कि जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है और न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच है। ठीक है, तो के जो वेव प्रोपोगेशन फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम तरंग संचरण सदिश, ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो यहां आ जाएगा 2 पाई अपॉन एच अपॉन पी, या के इज इक्वल हो जाएगा पी अपॉन एच क्रॉस। यहां पे मैंने एच क्रॉस को बोल दिया एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहां मैंने एच क्रॉस को बोल दिया एच अपॉन 2 पाई, और के को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, पी की फॉर्म में। और दूसरी चीज मैंने लिख दी यहां पे न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस था, तो ओमेगा जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, न्यू की वैल्यू रखो ई अपॉन एच, अगेन एच अपॉन 2 पाई को मैंने रख दिया एच क्रॉस, तो ओमेगा की वैल्यू भी मैंने ई की फॉर्म में निकाल ली। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब श्रोडिंगर ने बोला कि यदि किसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरी कोई वेव है, क्या बोला श्रोडिंगर ने कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव है, तो उस वेव को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो या तो साइन वेव होगी या कॉस वेव होगी। तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या तो वो कॉस वेव होगी या वो साइन वेव होगी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी के एक्स माइनस ओमेगा टी, या वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। और शाही किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजिशन और टाइम पे। ठीक है, तो ये चार तरीके के वेव फंक्शन एसोसिएट कर दिए मैंने, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिए श्रोडिंगर ने। ठीक है, अब श्रोडिंगर को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जो इन जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये हो, या इनमें से कोई एक हो, या इनका कोई कॉम्प्लेक्स, इनका कोई म्यूचुअल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इनका कोई सम्मिश्र भी हो सकता है। श्रोडिंगर को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसके सॉल्यूशन ये हो, ताकि मुझे इनका मान पता चल जाए, इनका मान पता चल जाए तो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव जो है, या मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है, उसकी स्टेट फंक्शन को, उसके वेव एम्पलीट्यूड को, उसके वेव फंक्शन को मैं निकाल सकूं। गेटिंग मी? तो आगे चलते हैं। तो अब श्रोडिंगर ने क्या बोला कि ये वेव फंक्शन इस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अब वेव फंक्शन इस टाइप के होने चाहिए तो मेरी इक्वेशन में कुछ एक क्वालिटीज भी होनी चाहिए। अब वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो मेरी इक्वेशन लीनियर हो। लीनियर क्यों हो, क्योंकि मैं यहां पे सुपर इंपोजिशन को भी पढ़ता हूं, तो अगर मेरी इक्वेशन लीनियर होगी तो सुपर इंपोजिशन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रेक्शन को मैं आसानी से अध्ययन कर पाऊंगा उनका, जो मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन थी। ठीक है, और दूसरा उसने बोला कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं मेरे पास में, जैसे के हो गया, ई हो गया, पी हो गया और ओमेगा हो गया, मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो इस इक्वेशन में नहीं आने चाहिए। इस इक्वेशन की वैल्यू कांस्टेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल अगर इस इक्वेशन में आते हैं तो प्रत्येक पार्टिकल के लिए इन वेरिएबल्स की वैल्यू अलग होगी, तो इक्वेशन डिपेंड करेगी पार्टिकल टू पार्टिकल। जबकि इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो एकदम जनरल फॉर्म हो, एकदम व्यापक रूप हो। सही है, तो श्रोडिंगर ने बोला कि मेरी इक्वेशन में ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी है मेरे को, तो मैथमेटिक्स की हेल्प हम हमेशा फिजिक्स में लेते हैं। और इक्वेशन को मैंने बोला कि भाई चलो शाही, अगर उसका सॉल्यूशन होना चाहिए तो ये इक्वेशन मस्ट बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया, श्रोडिंगर ने सबसे पहले ट्राई किया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब चूंकि शाही जो है ये टी पे डिपेंड करता है, यहां पे एक कांस्टेंट ले लिया, और शाही जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन ट्राई की, ठीक है। अब ये इक्वेशन ट्राई की, ये इक्वेशन ट्राई करके शाही की वैल्यू को जब इसमें रखा तो गामा की जो वैल्यू थी ये डिपेंड कर रही थी ई और पी पे, ठीक है। गामा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? ई और पी पे, जब इसको रख के सॉल्व किया तो ये जो एजम्पशन श्रोडिंगर ने माना कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, वो यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब आई मेन चीज, श्रोडिंगर ने बोला कि एक विमीय रेखिक अवकल समीकरण होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इनको बारी बारी इस इक्वेशन में रखा गया तो कॉस और साइन वाले जो टर्म थे ना, उन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं हुआ। आप करके देख लेना, एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू बराबर नहीं आएगी, गामा की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो यहां पे फिर उसने बोला, इसको ट्राई किया और इसको ट्राई किया, जब एक्सपोनेंशियल टर्म को इसमें रखा और एक्सपोनेंशियल टर्म को रख करके शाही को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे एक बार दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको रख के गामा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो गामा की वैल्यू आई आयोटा एच क्रॉस अपॉन टू एम। अब ये जो गामा की वैल्यू थी, ये श्रोडिंगर इक्वेशन ने तो दो क्वालिटी मानी थी कि अपनी इक्वेशन में दो क्वालिटी होनी चाहिए, पहली तो लीनियर होनी चाहिए और दूसरी किसी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, न कि किसी वेरिएबल के ऊपर। तो यहां पे ये जो गामा की वैल्यू थी ये किसी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड आ रही थी, न कि वेरिएबल के ऊपर। आर यू गेटिंग मी? तो अब श्रोडिंगर ने जो एजम्पशन माना था उसको सही साबित पाया गया, और ये जो इक्वेशन निकल के आई, That equation is the resultant Schrödinger equation, या ये बहुत क्वांटम मैकेनिक्स की द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज Schrödinger equation। तो वो इस तरीके से आती है, और ये इक्वेशन मुझे बताती है किसी भी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव फंक्शन होता है उसको ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन निकाली जाती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ गए बात को? तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी, इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करके उसने एक और इसकी, बाकी जो सब पद हैं वो सब डराइव्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये था श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन को अब यदि मैं इसमें, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें यदि मैं फोर्स इंपोज कर दूं, इंपोज करने के बाद में मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है? यदि मैं इसमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालूं, यदि मैं टाइम इनडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालूं, ठीक है, यदि मैं इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है? तो अब आगे हम आने वाले वीडियोस में ये चीज पढ़ेंगे, क्या कि एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स इंपोज करूं तो मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, दूसरा टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें जिससे कि यह वीडियो या आपसे रिलेटेड जो आपको चाहिए वो वीडियो मैं बना पाऊं, ठीक है। मैं संजय पारिक, एक बार फिर आपका थैंक यू वेरी मच, या धन्यवाद अदा करता हूं, धन्यवाद।